नगर पंचायत पागबड़ा के कैलसा रोड स्थानीय निवासी मोहम्मद शमी अपनी वालदा के इलाज को लेकर दर दर भटक रहे हैं। मोहम्मद शमी का ये कहना है कि विगत 4 साल पहले उनकी वालदा का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उनकी टांग और उनका कंधा टूट गया था। लगातार तभी से इलाज जारी है, लेकिन अभी तक उनको आराम नहीं मिला। इलाज में एक मकान बिक चुका है और जो कारोबार था वह भी बंद हो चुका। अपनी वालदा के इलाज को लेकर लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। मोहम्मद शमी का ये कहना है कि उनके सामने अब आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। जिला प्रशासन से गुहार लगाते हुए उन्होंने इंसाफ दिलाए जाने की मांग की है। मोहम्मद शमी कहते हैं कि जिस वाहन द्वारा हादसे को अंजाम दिया गया, उसके खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद भी पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही और न ही उसकी वालदा के इलाज के लिए कोई काम किया जा रहा है। मकान बेचकर अपनी माँ का इलाज करा रहे हैं, अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। सिटी चैनल से बात करते हुए मोहम्मद शमी द्वारा बताया गया, उनका एक्सीडेंट कर गया था, वो झाड़ी का रहने वाला। हमने गाड़ी की तहकीकात निकाली तो वो गाड़ी दिल्ली भी गई हुई थी, वहाँ से हमने तहकीकात निकाली, पुलिस ने हमारी मदद करी थी। वहाँ से हम जब लाए तो हमें पता चला कि यहाँ पे झाड़ी का है। हमने इसमें वो डाला क्लेम, इसके ऊपर मुकदमा। कितने दिन हो गए एक्सीडेंट को? 5 साल हो गया था, सन 2016। इनके इलाज कैसे चल रहा है? इनका इलाज साहब, एक तो हमारा मकान भी बिक गया, हम बिल्कुल बहुत परेशान हैं। हमने 1076 पर हमने फ़ोन किया था, उन्होंने कहा था 1076 वालों ने नकलो बोला हम आपकी मदद करेंगे, वहाँ से भी कोई मदद नहीं आई। अब क्या चाहते हो आप? हम तो ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे जो भी खर्च हुआ है, इतने देखो बिल ये रखे हैं। ये हमारी माँ का पहला फोटो है। अब हमारी माँ की हालत ऐसी है कि हमारी माँ का आँखों से भी मतलब नबीना हो गई, आँखों से भी नहीं दिखाई देता। 4-5 साल से खाट पे ही पड़ी है। खाट पे पड़ी है 5 साल से। कोई बेडरूम के साथ अपना ये बेचारी हमारी घर वाली जाती है, हमारी बेटी जाती है। हम ये चाहते हैं सरकार से कम हमारी तरफ कोई देख, थोड़ा इंसाफ मिलना चाहिए। वही खाट पर लेटी बीमार बूढ़ी हो चुकी है उनकी वालदा साबिरा द्वारा बताया गया। नाम है आपका? साबरी। साबरी जी, कब से बीमार हो, खटिया पे कब से पड़ी हो आप? 5 साल से। क्या हुआ था 5 साल पहले आपके साथ? एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, फिर क्या हुआ, मुकदमा डाल दिया आपने? कोई सुनवाई हो रही है आपकी? नहीं ना हो रही है। कुछ क्या चाहती हो आप? ये चाहते हैं कुछ हमें मिलना चाहिए। देखो हमारा बच्चा गरीब मजदूर है, मजदूरी कर रहे हैं, बच्चों को पाल लिया, हमारे भी कर रहे हैं।